गाइज, अगर आपके अकाउंट एक्सिस बैंक में है और आपके अकाउंट में केवाईसी पेंडिंग है लेकिन आपके पास ब्रांच में जाने का कोई टाइम ही नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा आप घर बैठ के बड़ी ही आसानी से एक्सिस बैंक का केवाईसी ऑनलाइन कैसे सबमिट कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मिनट पे। हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके एक्सिस बैंक में केवाईसी पेंडिंग है तो वो आप घर बैठ के ऑनलाइन कैसे जमा कर पाएंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा एक्सिस बैंक के रिलेटेड एक सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। गाइज, ऑनलाइन एक्सिस बैंक का केवाईसी सबमिट करने के लिए आपको जरूरत होगा एक्सिस बैंक का एक्सिस मोबाइल ऐप। अगर आपके पास एक्सिस मोबाइल ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कैसे आप ऑनलाइन एक्सिस बैंक का केवाईसी सबमिट कर पाएंगे। ऑनलाइन केवाईसी सबमिट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है, आपका फोन और आपके फोन में एक्सिस मोबाइल ऐप होने से ही आप एक मिनट में आपका जो केवाईसी है वो सबमिट कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑनलाइन केवाईसी सबमिट होता है। तो अगर आपको ऑनलाइन केवाईसी सबमिट करना है तो पहले आपके फोन में एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना होगा। एक्सिस मोबाइल ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लॉगिन पिन है वो लॉगिन पिन डाल के आपको इसमें लॉगिन कर देना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो आपको सीधे ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सर्विस एंड सपोर्ट बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। सर्विस एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंस्टा सर्विस, तो इंस्टा सर्विसेज जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जो ऑप्शन है कंफर्म केवाईसी डिटेल्स बोल के आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी लास्ट डेट है जिस डेट पे आपने केवाईसी अपडेट किए थे उसका डेट भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, और आपका केवाईसी अगर ड्यू है वो भी यहाँ पे दिखाई। तो देखिए यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि मैंने जो लास्ट केवाईसी अपडेट किया था वो है 3rd of May 2020, तो अगर मैं फिर से केवाईसी अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे ओके पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंफर्म योर डिटेल्स, नेम, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो वो अलग अलग एड्रेस दिखाई देगा, मेरा यहाँ पे सेम ही है इसलिए दोनों एड्रेस ही सेम दिखा रहा है। उसके बाद नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आपका पूरा डिटेल सही है तो करेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपका डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिसमैच है तो इनकरेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो डिटेल्स है वो सब करेक्ट है तो मैं करेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर कंफर्म केवाईसी डिटेल्स विल बी प्रोसीड इन 1 वर्किंग डेज, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर जो कि मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसका भी मैसेज आपके पास आ जाएगा, आपके रजिस्टर फोन पे आ जाएगा, और ये जो केवाईसी है विद इन 1 वर्किंग डे मेरा जो केवाईसी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो गाइज, आपने देखा एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू आप कितने आसानी से एक्सिस बैंक का पेंडिंग केवाईसी अपडेट कर पाएंगे। गाइज, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बोला था कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। गाइज, अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है और आपके अकाउंट में अभी तक पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आप घर बैठ के ऑनलाइन पैन कार्ड भी अपडेट कर पाएंगे। वो कैसे, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताना, वो वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। गाइज, इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।